E. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में एकदम से पलटी मारी है। मुंबई में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं कई जगहों पर तेज आंधी भी देखने को मिली है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों पर देश भर से भी इस तरह की खबरें हैं, जहां पर मुंबई से जो तस्वीरें आ रही है उसके मुताबिक तेज आंधी के साथ ही साथ बारिश का माहौल देखने को मिला है, जिससे तापमान में गिरावट हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुंबई की तस्वीरों में देखिए तेज आंधी के साथ में बारिश भी हुई है। और साथ ही साथ अगर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के भी कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की खबर मिल रही है। लेकिन इसी बीच मुंबई की जो तस्वीरें आई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो तस्वीरें मुंबई की अलग अलग, जहां पर सबसे पहले तेज आंधी आई और तेज हवाएं चली, उसके बाद भारी बारिश देखने को मिली है। धारावी घाट कोपर में तेज हवाओं का कहर देखने को मिला, जहां पर कई जगह पर होर्डिंग्स टूट गए, कई इलाकों में नुकसान होने की भी खबर है। तो वहीं जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की आज 16वीं बरसी है। और आज ही के दिन 13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, जिसमें 71 लोगों की जान गई थी। कहने को 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन बम ब्लास्ट के जिन लोगों को जो जख्म मिले वो आज तक भी नहीं भर पाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों ने गंवाई थी जान। 13 मई 2008 की वो शाम को जब गुलाबी नगरी की सड़कें लाल हो गई थी, एक के बाद एक 8 सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी और 186 लोग घायल हो गए थे। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी पर शहर के मंदिरों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल नजर आया। 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए, जिनमें कई परिवारों ने अपने बेगुनाह लोगों को खो दिया। करीब 16 साल गुजरने के बाद भी आज ये परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हर साल 13 मई को बम ब्लास्ट की बरसी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, जो आज भी किए गए हैं। 13 मई 2008 शाम के 7:20 पर खंडा माणक चौक हवा महल के सामने पहला बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल हुए। इसके बाद दूसरा बम ब्लास्ट 13 मई 2008 शाम करीब 7:25 पर बड़ी चौपड़ मनिहारों के खंडे में ताला चाबी की दुकान के पास हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और साथ ही 27 लोग घायल हुए। जबकि तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7:30 पर छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हुए। चौथा बम धमाका शाम करीब 7:30 ही त्रिपोलिया बाजार के पास दुकान नंबर 346 के सामने हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए। पांचवा धमाका शाम 7:30 ही चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई और 49 लोग घायल हुए। छठा धमाका भी करीब 7:30 पर ही जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ। इनमें 8 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हुए। सातवां बम धमाका 7:35 पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंडे में हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए। आठवां बम धमाका 7:36 पर जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए। नौवे ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी।
बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्क्वाड टीम ने उसे डिफ्यूज कर दिया था। 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट में 71 परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में विशेष न्यायालय ने भले ही 4 गुनहगारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को रद्द कर उन्हें बेकसूर माना। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे चल रहा है। प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से शहरवासियों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। करीब 16 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने कई परिवारों की खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। एक एक करके 16 साल बीत गए, लेकिन आज उन परिवारों का दुख दर्द कम नहीं हुआ। विशेष अदालत ने 4 गुनहगारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए 4 गुनहगारों को बेकसूर माना। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में देखना होगा कि कब ये पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।